स्वागत है आपका संगीत शिक्षण हिंदी में। मैं शिवम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे तबला अध्याय में संगीत शिक्षण हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, कि तीन ताल को कैसे तेज़ बजाएं। काफ़ी लोगों का सवाल है, काफ़ी लोगों की मंशा है इस टॉपिक पर कि तीन ताल को तेज़ कैसे बजाएं। देखिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि ये काम थोड़ा टफ है या आसान नहीं है या आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अपनी अपनी सोच है, आप अपनी अपनी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। हर एक चीज़ मेंटेलिटी पर डिपेंड है और आपकी मेहनत पर डिपेंड है, सेकंड थिंग। उसके बाद आप उसको बिल्कुल सिंपल रखिए, कीप इट सिंपल, उसको एकदम सिंपल वे में रखिए। ये मत सोचिए कि बहुत ट्रिकी है, हार्ड है, बस प्रैक्टिस कीजिए और सोच को अपने अग्रसर करते हुए उस पर काम करते रहिए। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आराम से बजाना है, सिंपली बजाना है, उसमें ज़्यादा ट्रिकी वे में नहीं करना है, सिंपल है और धीरे धीरे उसकी लय बढ़ती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको आप पूरा देखिएगा। तो पहले तो ठा दुगुन तिगुन चौगुन में बजाएं तीन ताल को, क्योंकि 16 मात्रा की ताल है, लंबी ताल है, तो उसका ठा दुगुन तिगुन ही आप अच्छे से बजाएं। उसके बाद वो धीरे धीरे ऑब्वियसली तेज़ हो जाएगी और उसके बाद उसको थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है बजाने का, फिर वो ना धिन धिन ना ना धिन धिन ना ना धिन धिन ना ना धिन। तो कहने का मतलब, जैसे मैंने अभी ये हल्का सा डेमोंस्ट्रेट करके बताया आपको, तरीका मैं बताऊं कैसे, क्योंकि फिर हाथ लिफ्ट होने लगता है हल्का सा, फिर स्याही का प्रयोग करने लगते हैं, पर पहले आपको इसी पैटर्न में जाना है। पहले इस खूबसूरती का मज़ा आप लें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तीन ताल का मज़ा एक ही उंगली का है। मेरा थोड़ा सा बेस ड्रम ख़राब है, थोड़ा का काफ़ी ख़राब है, तो आप उसका हेडफोन लगाएं, फिर आप बेस का उसका साउंड सुने। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले ठा दुगुन तिगुन से शुरू करते हैं, चौगुन से, उसको आप पहले मेंटेन करें। और उसको मेंटेन करने के लिए मैंने एक झपताल का वीडियो बताया था, वही पैटर्न रहेगा, बस ताल बदली जाएगी। लय को सबसे पहले विलंबित लय में बजाना शुरू करें, विलंबित लय से आप शुरू करेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव है, और इफेक्टिव इसीलिए है क्योंकि उससे आपकी लय स्थिर होती है। जब तक आपकी लय स्थिर नहीं होगी तब तक वो दुगुन तिगुन चौगुन में परिवर्तन नहीं करेगी, ये नहीं आप कर पाएंगे। देखिए, तो फिर हमको करना क्या है, धा धिन धिन धा, हमको अवग्रह हल्का सा उसमें ऐड करना है, उसकी मात्रा बढ़ा देनी है, धा धिन, पर दो मात्रा नहीं बढ़ानी, मात्रा एक ही रहेगी, टेम्पो उसका स्लो होगा, स्पीड स्लो होगी, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। अब बिल्कुल सीधा सीधा बजाना, ना सरकाना है हाथ को ना कुछ, सीधी ताल बजती है तीन ताल, उसी में खूबसूरती है। वो चीज़ें आगे की हैं, वो जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तब, बिल्कुल सिंपल बजानी है। देखिए, अब मैं आपको बजा के सुनाता हूँ, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। आप तिन यहाँ पे बजा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर सुलो में आप यहाँ बजाएं तो खाली क्लियर दिखेगा, क्योंकि तीन ताल में एक ही पोर्शन खाली का है, एक ही विभाग खाली का है, तो उसे क्लियर दिखाएं आप, ये कहने का मतलब मेरा। जब लय बढ़ा जाएगी वो तो फिर ऑब्वियसली यहीं बजेगा। दूसरी चीज, अपने हाथ को प्रेशर नहीं देना है बिल्कुल भी, तबले पर प्रेशर लगाना है उंगलियों से, हाथों को प्रेशर नहीं देना, हाथ को बिल्कुल मतलब कि मरोड़ना तरोड़ना नहीं है, यानी कि ऐठना ही जैसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में, एकदम लूज रखना है, बिल्कुल फ्री, कंधे से जोर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल फ्री माइंडेड एंड फ्री विद योर फ्री हैंड्स बजाना है इजीली, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बी रिलैक्स, और बस जोर उंगली से देना है, चाटी और लब का बोल साफ सुनाई देना चाहिए, ना तिन ना तिन ना धिन।
और दोनों उंगलियों का प्रयोग करना है, धिन उठाना है, धा दबाना है, धा धिन धा धिन। कोई स्लाइड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, स्लाइड स्लाइड नहीं है, सीधा बोलों का डिफरेंस है, वो बोलों का डिफरेंस अपने समझ में आएगा। धा धिन ये सब चीजें हुई बजाने के तरीके में, मैंने तीन ताल के ठेके में भी बताया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसकी दुगुन करते हैं। देखिए मैंने ठा बताई थी, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। फिर दुगुन क्या होगी, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धा धिन। पहले आप दुगुन को काफ़ी देर तक बजाएं ताकि वो स्टेबल हो जाए। अगर आपकी स्टेबल है दैट्स वेरी गुड, नहीं है तो उसे आप बजाएं। फिर चौगुन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन। इसको आप अच्छी तरह बजाएं, इतनी लय तक तो गायकी में भी बजाई जाती है, कुछ ख्याल है गायन शैली है उसमें बजाई जाती है, नो प्रॉब्लम, इतना तो आना ही चाहिए। फिर जब तराना एक गायन शैली है जिसका वीडियो मैंने पहले डाला, उसमें लय भरी हुई होती है, उसमें लय धीरे धीरे बढ़ती है, वो तेज मध्य लय से शुरू होकर अति द्रुत तक पहुंचता है, जितना तबला वाला संभाल सके और जितना गायन वाला भी संभाल सके। तो सबसे पहले चीज, आप तीन ताल को खूबसूरती से स्टार्ट करें। जोरदारी से बजाएं, तक 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 धा धिन धिन धा। और स्लो मैं आपको बताता हूं, तक 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 धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा टिट धिन धिन धा। स्लो में आप वेरिएशन दिखा सकते हैं खूबसूरती के लिए, पर बिल्कुल सिंपल, कीप इट सिंपल। देखिए जब आप तेज बजाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है, तब वो ना धिन धिन ना धिन धिन ना बजने लगता है, ना धिन धिन ना ही कहते हैं वैसे उसे, ना धिन धिन ना धिन धिन ना तिन तिन ना ता ना धिन धिन ना धिन धिन ना तिन तिन ना। ये तो हुआ हाथ को रख के बजाने वाला तरीका, इतनी लय तक तो इतनी स्पीड तक तो आप अपने हाथ को स्टेबल रख के ही बजाएं। अब इसका तरीका क्या है स्टेज बजाने का, यहां थोड़ा सा हाथ स्याही की तरफ बढ़ने लगेगा, स्याही की तरफ उठने लगेगा, ऐसे इस तरह से। लेकिन से हम कह सकते हैं टिट ताता टिट ताता टिट ताता, पर तिट ताता आप बजाएंगे तो दिक्कत होगा, हम कह सकते हैं उस चीज को उस तरह से लगता है पर होता वही है।
थोड़ा सा भी मेरा बेस ड्रम बहुत ज़्यादा ही उतरा हुआ है, उसमें वो चीज़ आ नहीं रही है, पर आप जब अच्छा बेस ड्रम लेंगे तो हल्का सा भी टच करेंगे तो बेस ड्रम की आवाज़ उतनी इनफ आएगी, सो डोंट वरी। मज़ा चाटी का ही है इसमें, जो हम लोग को ना धिन धिन ना सुनाना है, इसीलिए तो वो हाथ अपने आप उठेगा कि जैसे कि जब आप करेंगे ना तो आपको खुद एहसास होगा उस चीज़ का, क्योंकि करने से ही आएगा, देखने से समझ में तो आ जाएगा पर देखने से बजाने नहीं आएगा, वो करने से ही आएगा। तो जब आप उसे करेंगे एक लेवल तक, पर सबसे पहले तो आप शुरू ही स्लो करें, दिन दिन धार धार। पहले आप स्लो उसको बहुत खूबसूरती से बजाना सीखें, और धा दिन धिन का जो मज़ा है, क्योंकि ये एक ऐसी ताल है जिसमें धा दिन धिन धा दिन धिन कंटिन्यू चलता है और दोनों बोली जोरदारी के हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर बजाना है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उससे पहले स्लो बहुत अच्छा अभ्यास करें, उस पर फिर धीरे धीरे उसकी लय बढ़ाएं, ठा दुगुन तिगुन। देखिए ठा दुगुन तिगुन के मैं झपताल में भी समझाया है अच्छी तरह, पर मैं आपको फिर से एक बार फिर और बता देता हूँ, धा धिन धिन धा। देखिए चार बोल मैंने बोले, फिर दुगुन क्या होगा, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। फिर अगर आप तिगुन कर पाते हैं तो तिगुन धा धिन धिन धा इस तरह से होगा तिगुन, फिर चौगुन धा धिन धिन धा धा एक मात्रा में चार, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धा धा धिन। इस चीज का अगर आपने मजा लिया ना, यहाँ तक अगर आप अच्छे से पहुँच गए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आपका चौगुन तक बोलों का निकास जो है बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं रहनी चाहिए। चिपकाना नहीं है दिन पे ना चाटी पर, खुलकर साउंड आना चाहिए धा और धिन का। अभी मैं थोड़ा सा खड़े होकर बजा रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा उतना तेज बज नहीं पा रहा है, नहीं तो मैं आपको उसके अच्छा बजा कर सुनाता उससे भी तेज। तो आप इस चीज पे फोकस करें और धा दिन धिंदा धा दिन धिंदा पे ज़्यादा फोकस करें, उसके निकास पे ज़्यादा महत्वता दें, तब उस चीज़ का मज़ा आएगा। फिर ना 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 दिन दिन ना ना उस चीज़ पे आप फोकस करें। और अगर इसका बेस सुनने के लिए आप हेडफोन अगर यूज़ कर सकते हैं तो हेडफोन यूज़ करें, तो ज़्यादा क्लियर आपको सुनाई देगा। और उठान कैसे करें, धा त्रिकट तक त्रिकट धा धिन धिन धा। तक त्रिकट तक त्रिकट धा तक त्रिकट तक त्रिकट धा धा जो होगा वो सम का होगा। Thank you.
जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से समझ जैसे प्रैक्टिस मैंने क्रिकेट के प्रैक्टिस में बताया है, तक पॉज तक क्रिकेट तक क्रिकेट था। बोलों पे जोर दें, हाथ को लूज रखें, टाइट ना रखें, फिर उस चीज का मजा लें। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ठेका बहुत अच्छा बजाते हैं तो आप आगे की चीजें बहुत अच्छे बजाएंगे, क्योंकि ठेका सबसे महत्व चीज है। कोई गीत की शुरुआत करने के लिए आपको ठेका बहुत साफ बजाना आना चाहिए। तो आई होप यू विल लाइक इट, सो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और देखते रहें संगीत सेशन हिंदी वीडियो को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और सीखें हमसे, और जो भी हम आपको सिखा पा रहे हैं, शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू, टेक केयर।